प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान की सबसे पहले घोषणा की गई थी राजघाट पर। 4014 सड़कों व गलियों को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया हुआ सबसे बड़ा अभियान है। इसमें लगभग 3 करोड़ लोगों ने भाग लिया। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए शहरों और गांव में इस मैसेज को पहुंचाने के लिए हम सब पहुंचे गढ़वार के छोटे से गांव में, जिसका नाम है साल्डोगी। साल्डोगी गांव टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के नरेंद्र नगर तहसील उत्तराखंड भारत में है। इस गांव में पंचायती राज है, वोटिंग द्वारा चुनी हुई सरपंच सरकार है और जिसकी अधिकारी एक महिला सरपंच है। टेढ़े मेढ़े रस्तों से गुजरकर हमारी बसें जहां पहुंची, डर भी लग रहा था, लेकिन घाटियों और प्रकृति के नज़ारों को देखकर मन बहुत ही खुश हो गया। दोपहर को 1 बजे हम गांव पहुंचे। आज गांव में शादी थी तो लगभग 200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे और हमारे लिए सबसे खुशी की बात थी, अच्छी खासी भीड़ जमा थी। वहाँ सब लोग हमें बहुत हैरानी से देख रहे थे, पर जल्द ही सब घुल मिलने भी लगे। देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमा होने लगी, जिसमें स्त्रियाँ और बच्चे सबसे अधिक थे। गांव के लोगों ने हमारा स्वागत किया और हमें पारंपरिक चाय पकौड़ों का नाश्ता खिलाया। साथ ही साथ हमने उन्हें अपने आने का कारण भी बताया। हमारे देश में अभी स्वच्छता पे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि आपके यहाँ भी सबके सब स्वच्छता को समझे, अपने आसपास की सफाई रखें, अपने घरों की सफाई रखें, अपने खान पान की सफाई रखें, तो उसी के ऊपर हम अपना नुक्कड़ नाटक पेश कर रहे हैं। पानी का इस्तेमाल हमेशा साफ ही करना चाहिए, पानी को हमेशा ढक कर रखें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बीमारियों को न्योता देते हैं। क्या करते हैं हम? खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। ऐसा ना करके हम सभी बीमारियों को न्योता देते हैं। क्या करते हैं? बीमारियों को न्योता देते हैं। बलम पिचकारी सड़क पे तूने मारी, तो साफ सुथरी सड़क खराब हो गई। बलम पिचकारी सड़क पे तूने मारी, तो साफ सुथरी सड़क खराब हो गई। लाखों रुपए की बर्बादी हो गई, हाँ लाखों रुपए की बर्बादी हो गई। नाटक द्वारा हमने सफाई की जरूरत को समझाया, जैसे रोज नहाना, खाने से पहले हाथ धोना, कपड़े धोना, सब्जियों का अच्छी तरह से धोना, घर के आसपास वे गंदी नालियों को और तालाबों को साफ रखना, खुले में शौच ना करना, घर में ही टॉयलेट्स बनवाना, बीमारियों से सुरक्षित रहना व उनका इलाज भी बताया। 2 से 3 चम्मच 1 गिलास पानी में घोल करके बार बार दिन में 3 बार साफ उबाल करके, पानी को साफ उबाल करके ठंडा करके उसमें 3 चम्मच 2 चम्मच ORS का घोल मिला करके हम दिन में 3 बार पियेंगे तो हमारे जो नमक और चीनी की कमजोरी है वो दूर होगी और हमारा पेट भी बन जाएगा, ठीक है। उन्हें फर्स्ट एड बॉक्स भी दिया क्योंकि हमें पता चला कि उनके हॉस्पिटल्स 20-20 किलोमीटर तक दूर थे। नाटक से उन्हें बहुत एंटरटेनमेंट भी मिला, साथ ही साथ उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। खाना खाने के बाद हम 3 टुकड़ियों में बट गए और वहाँ पर मौजूद महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, नौजवानों को अलग अलग हमने समझाना शुरू किया। ज़्यादातर महिलाएं थीं और स्कूल के सारे बच्चे हमें सुनने के लिए बेताब थे। हमें उनसे ये पता चला कि गांव के ज़्यादातर पुरुष गांव छोड़कर शहरों में जाकर रोज़गार के लिए बस गए थे और धीरे धीरे गांव खाली होता जा रहा था। गांव की ज़्यादातर महिलाओं
उसका कहना था कि वो घर में बच्चों के साथ अकेले रहती थी, लेकिन हमने उनको इस चिंता से निकाला और उन्हें आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहित किया। और हमारे ग्रुप के लड़कों ने गांव के बड़े बुजुर्ग और नौजवानों के सामने अपना विचार रखा कि गांव के विकास में ही देश का विकास है। हम मन ही मन में यह सोच रहे थे कि भारत गांव का ही देश है और गांव की उन्नति में देश की उन्नति है। गांव वालों के मुस्कुराते चेहरों को देखकर लगा कि हमारे संदेश को बहुत ही अच्छी तरह उन तक पहुंचा दिया गया है। इस तरह बातें करते हुए कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। मटर गश्ती खुली सड़क में तकड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते से सड़क में छतरी न थी बगल में आया ही ना अकल में के भागे हम या भीगे हम अकड़ में तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो चाहे जनाना या मर्दाना है का नया पासा फिर दे गई झांसा।